नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम लोग 19 नवंबर की ग्रहों की स्थिति जानते हैं। 19 तारीख को जो है चंद्रमा कर्क राशि का स्वगृही और राहु मिथुन राशि में है। तुला राशि में मंगल और बुध, वृश्चिक राशि में सूर्य जा चुके हैं और वहां पहले से मौजूद है शुक्र। धनु राशि में गुरु, शनि और केतु, ये ग्रहों की स्थिति है। राशिफल शुरू करते हैं। मेष राशि की अंतःकरण की स्थिति इस समय बड़ी अच्छी, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और आपके जीवन में निरंतरता आ जाएगी। आप धीरे धीरे अच्छे स्थिति में आ जाएंगे। स्वास्थ्य की स्थिति ठीक है। प्रेम की स्थिति पहले से थोड़ा गड़बड़ हुआ है। व्यवसाय की स्थिति पहले से बेहतर हुआ है। कुल मिलाकर के अच्छी स्थिति है। जीवन साथी के स्वास्थ्य पे जरूर ध्यान दीजिए। वृषभ राशि, ऊर्जा आपके अंदर बढ़ते जा रही है और ये ऊर्जा एक सॉफ्ट एनर्जी है, एक सकारात्मक ऊर्जा है, तो इससे जो भी कार्य करेंगे ना उसमें निश्चित सफलता के योग बनेंगे और सही कार्य करेंगे। तो जो भी आप करना चाहते हैं उसकी शुरुआत कर दें। शारीरिक स्थिति ठीक है, प्रेम की स्थिति ठीक है और व्यवसाय की स्थिति पहले से बेहतर है। मिथुन राशि, धनागमन बना रहेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, सही जगह पे पैसे लगाएंगे आप और कुटुंब में वृद्धि होगी। बाकी शारीरिक स्थिति मध्यम है, प्रेम की स्थिति ठीक ठाक कही जाएगी और व्यवसायिक स्थिति पहले से बेहतर है। कर्क राशि, बहुत अच्छी आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आई हुई है। भाग्य साथ दे रहा है, ऊर्जा साथ दे रही है, जैसा चाह रहे हैं उसके अनुरूप कार्य हो रहा है, तो कुल मिलाकर के एक बड़ी अच्छी स्थिति है। प्रेम की स्थिति ठीक है, पहले से बेहतर है। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर है, व्यवसायिक स्थिति पहले से बेहतर है और शारीरिक स्थिति बहुत अच्छी है, तो कुल मिलाकर के आप अच्छे चल रहे हैं। सिंह राशि, थोड़ा चिंतित बने रहें, चिंताकारी सृष्टि का सृजन हो रहा, इसलिए तबियत पे भी आपके असर पड़ेगा, स्वास्थ्य पे भी असर पड़ेगा। बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। मानसिक स्थिति थोड़ी गड़बड़ है, शारीरिक स्थिति थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन व्यवसायिक स्थिति ठीक निकलेगी। प्रेम की स्थिति पहले से बेहतर है, तो कुल मिलाकर के आप अच्छे दिनों की तरफ बढ़ रहे हैं। कन्या राशि, राहत मिल चुकी है। जो मंगल के लग्न में गोचर चल रहा था, जो एक इरिटेशन लेवल बहुत बढ़ी हुई थी ना, अब आपको आराम हो जाएगा, थोड़ा पहले से बेहतर हो जाएगी। बस कड़क भाषा के प्रयोग से बचिए। बाकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती हुई जा रही है, व्यवसायिक स्थिति ठीक है, शारीरिक स्थिति अभी भी थोड़ी मध्यम है, बुध के वक्री होने के नाते, बाकी प्रेम की स्थिति भी ठीक है। तुला राशि में मंगल और बुध का गोचर है। बुध यहां पे वक्री है और मंगल द्वितीय शोकर के लग्न में आए हैं, तो नुकसान शारीरिक तो करेंगे लेकिन आर्थिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी। शासन सत्ता पक्ष का सहयोग दिख रहा है। व्यवसायिक स्थिति अच्छी दिख रही है, शारीरिक स्थिति मध्यम दिख रही है, प्रेम की स्थिति ठीक ठाक है। वृश्चिक राशि, भाग्यवश कोई काम बनेगा। मान सम्मान के प्रति थोड़ा सा सचेत रहिए। शारीरिक स्थिति ठीक है, व्यवसायिक स्थिति भी ठीक है, आर्थिक स्थिति भी ठीक है, कुल मिलाकर के आप ठीक चल रहे हैं। धनुराशि, आज के दिन थोड़ा बच के पार करें। शारीरिक, मानसिक और सरकारी तीनों तंत्र गड़बड़ चल रहा है। बाकी आप पहले से बेहतर चल रहे हैं लेकिन आज के दिन थोड़ा सा बच के पार करें। प्रेम की स्थिति पहले से बेहतर चल रही है लेकिन आज का दिन जोखिम भरा है, तो थोड़ा सा बच के पार करें। मकर राशि, जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार दिख रहा है, प्रेम की स्थिति में सुधार दिख रहा है, जीवन साथी के साथ संबंधों में सुधार दिख रहा है, व्यवसायिक स्थिति ठीक है,
शारीरिक स्थिति करीब करीब ठीक है, तो कुल मिलाकर के अच्छा समय आपका दिख रहा है। कुंभ राशि, गुण ज्ञान की प्राप्ति होगी, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, मामा पक्ष से कुछ अच्छे समाचार मिल सकते हैं, थोड़े डिस्टर्ब जरूर रहेंगे लेकिन कुल मिलाकर के ठीक है, प्रेम की स्थिति मध्यम। मीन राशि, अद्भुत निर्णय लेने की क्षमता आ गई है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, लिखने पढ़ने वालों के लिए भी बड़ा अच्छा समय है, जीवन में प्रेम का संचार हो रहा है, निरंतर तरक्की कर रहे हैं आप, बस बढ़ते जाइए। नमस्कार।